नमस्कार दोस्तों, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of April 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आज गुड़ी पड़वा है, हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल माय फ्रेंड्स। डॉलर इंडेक्स कल के दिन में जो क्लोज दिया हुआ है वह है आपका 104.12, करेंटली उसी जगह पे 104.16 पे है। बेसिकली द मार्केट इज वेटिंग फॉर टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स, दैट इज वेंसडे यूएस सीपीआई डेटा जो 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आने वाले हैं, फॉलोड बाय FOMC मिनट्स। तो ये जो डेटा के बाद, स्पेशली द सीपीआई डेटा के बाद, डॉलर इंडेक्स में कुछ मूवमेंट हो सकते हैं एंड फर्दर गाइडेंस थोड़ा सा मिलेगा FOMC मिनट्स से। सो अभी ये जो डॉलर इंडेक्स का करेंटली 104.16 में है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। वन इंपॉर्टेंट इज थर्सडे लो एंड अनदर वन इज द फ्राइडे हाई। ये जो दो रेंज है, दीज आर टू इंपॉर्टेंट एरियाज। जब तक इस रेंज के अंदर में है, डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू बिहेव इन ए साइडवेज मोड। वंस ये आपका ये रेंज के बाहर निकलते हैं, पॉसिबली आफ्टर US CPI डेटा, या नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक आउट करते हैं इन सच ए केस, इमीडिएटली 105.20 इज गोइंग टू एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। वेयर एज इफ इट ब्रेक्स बिलो द लोअर साइड, दैट मींस बिलो 103.90, इन सच ए केस देयर इज ए रूम, मींस वेयर द मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड, मे बी टुवर्ड्स 103.2030 लेवल्स। And if that level is also broken, in such a case, we can expect 102.60, 102.80 in that zone. So downward room is there, whereas in the upward side, immediate resistances are there. GBP dollar, कल जो close दिया है, वो है आपका 1.2655. Currently at same place it is waiting for जो हमारा इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वही जस्ट आपका USCPI डेटा, जिसके लिए बाद डॉलर इंडेक्स में कुछ एक मोमेंटम का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड कंसीडरिंग दैट वन, GBP डॉलर पे भी दो इम्पॉर्टेंट लेवल है जो हमने कल के दिन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मींस वीकली एनालिसिस में भी हमने मेनली डिस्कस किया हुआ है, जिसमें ये थर्सडे का हाई इन GBP डॉलर एंड फ्राइडे का लो इन GBP डॉलर। जब तक इसके अंदर में है, प्राइसेस आर गोइंग टू बी साइडवेज। दैट बीइंग द केस, ये US CPI डेटा जो वेंसडे को आने वाला है 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, उसके बाद क्या ये कौन सा डायरेक्शन में ब्रेक आउट करते हैं? अगर ये ऊपर की तरफ higher side mein GBP dollar is breaking above the Thursday high, that is 1.2685, and sustains for some more time, aisa nahi ki touch and go karke fir dobara niche ki taraf aa jaye, not like that, agar ye sustain karte iske upar, in such a case GBP dollar is expected to move towards 1.2800. In case it is breaking below the Friday low, in such a case immediate support zone is there. So on the downward side, means as of now, there is no major momentum. The momentum will be expected only when ye jo support zone ke niche agar sustain karte hai. In now is coming to our GBP INR similar analysis. Thursday ka high, Friday ka low are important areas. We need to wait for breakout of this range. Kya ye upar ki taraf karte hain breakout? In such a case, we can expect 106. 106.30 के तरफ। अगर ये नीचे के तरफ तोड़ते हैं तो जो सपोर्ट लेवल है 104.40 से 104.60, उस लेवल के तरफ ये एडजस्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर, यूरो डॉलर कल के दिन में जो एक अच्छा खासा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया, फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 1.0820, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.0862 एंड क्लोज एट 1.0860, करेंटली देयर एट 1.0856। सो टिल US CPI डेटा, मींस मेजर मोमेंटम इज नॉट एक्सपेक्टेड। नाउ हियर द इंपॉर्टेंट लेवल इज थर्सडे हाई एंड फ्राइडे लो।
थर्सडे हाई इज 1.0876 एंड फ्राइडे लो इज 1.0791। यहाँ पे देखने वाला चीज है आपका 11th को, जस्ट सेकंड लेट मी चेक द डेटा, 11th को आपका यस ईसीबी रेट डिसीजंस एट 5:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ईसीबी का रेट डिसीजंस है, फॉलोड बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद क्या ये एक मोमेंटम लेते हैं। सो इन केस ऑफ यूरो देयर आर टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वन इज वेंसडे का यूएससीपीआई डेटा एंड एफओएमसी मिनट्स, फॉलोड बाय थर्सडे का इन ईसीबी रेट डिसीजंस। उसके बाद क्या ये आइदर डायरेक्शन में ब्रेकआउट करते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं अबव 1.0880 एंड सस्टेन करते हैं, टच एंड गो नहीं करते मींस ऊपर गया फिर दोबारा नीचे की तरफ, ऐसा नहीं, अगर ये सस्टेन करते इन सच ए केस यूरो डॉलर मे बी हेडिंग टुवर्ड्स 1.0950 एंड 1.0980 की तरफ मूव करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। ऑन द कॉन्ट्रा साइड मीन्स ऑन द लोअर साइड, ब्रेक बिलो द लो ऑफ फ्राइडे मे ब्रिंग द यूरो डॉलर लोअर टुवर्ड्स 1.073040 इन दैट डायरेक्शन। यूरो आयनर सिमिलरली जो थर्सडे का हाई एंड फ्राइडे का लो आर इम्पोर्टेंट, जब तक इसके ऊपर आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, बट इवन इफ सपोज इट इज ब्रेकिंग अबोव द थर्सडे हाई इवन दो इमीडिएटली अनदर रेजिस्टेंस लेवल इज देयर, दैट इज 90.80 से 91.00। ऑन द लोअर साइड मोमेंटम रूम इज देयर, सो मेयर ब्रेकिंग above that Thursday high is not sufficient, it has to break above 91. In such a case, Euro INR पे एक बढ़िया सा upward momentum देख सकते हैं, otherwise choppy sideways volatile move expected है. Now comes dollar yen. Dollar yen में वही concern है consolidation that repeatedly I am telling. क्या है ये 152 जो 32 years का high है वहाँ पे price consolidate कर रहा है and the market participants are testing the patience of BOG. या BOJ कंफर्टेबल है लेटिंग ये येन टू डेप्रिशिएट फर्दर और नॉट, वी नीड टू जस्ट वेट एंड वॉच। सिमिलरली येन INR ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, करेंटली इट इज 54.78, जैसे ही अगर इन केस डॉलर येन 152 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो यहाँ पे एक जबरदस्त डाउनवर्ड सेलिंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कनाडा मींस कैंडी, डॉलर कैंडी करेंटली एट 1.3580 जो ऊपर की तरफ 1.3630 का रेजिस्टेंस एंड नीचे की तरफ 1.3350 का सपोर्ट। इस जोन के अंदर में जब तक है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है, हाँ ये आपका मीन्स बीओसी का रेट डिसीजंस भी है प्रोबेबली ऑन वेंसडे मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके बाद भी हमें थोड़ा सा देखना है मीन्स अल्टीमेटली बीओसी का रेट डिसीजंस हो या कुछ भी हो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं ये वाला रेंज तब तक वी नीड टू वेट एंड वॉच, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट ए मोमेंटम। Then Aussie dollar consolidation, ये रेंज के अंदर में है, इस बॉक्स के बाहर निकलना है। Then and only then, CNH 7.2455 से आपका CNH का ये एक means it is also testing the patience of PBOC. Although PBOC is means high-handedly restricting CNH from further depreciations, yuan from further depreciations, but our important concern is 7.29. अगर जब ये आपका देखोगे 22nd मार्च को yuan एक depreciations spree में था, वैसा अगर कुछ स्प्री आते हैं उसका प्रेशर हमारे डॉलर रुपए में आने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड में कल के दिन में एक रिट्रेसमेंट देखा गया हमें, यहाँ पे वीकली चार्ट में देखेंगे तो बाय डिप्स इज कंसर्न जब तक एक एम पैटर्न हमें नहीं मिलता है ऑन डेली या वीकली। सो यहाँ पे अभी भी मीन्स ऊपर में 9350 का एक एक्सपेक्टेशन से बाय डिप्स विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस वन कैन ट्राई टू इनिशिएट द प्रोसेस।
देन इज कमिंग ईयर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी ये कल के दिन में बहुत ऊपर चला गया था, 4.46 हाई था एंड क्लोज एट 4.4, तो करेंटली एट 4.41। इट इज वेटिंग फॉर यूएस सीपीआई डेटा एंड एफओएमसी एफओएमसी मिनट्स। दैट बीइंग द केस, तब तक ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा। देन इज योर यूएस 2 ईयर ट्रेजरी इज ऑल्सो अबोव द immediate resistance zone. Yesterday it traded high of 4.795 and currently it is at 4.787. It's again waiting for tomorrow's data. Once the data is over, depending on the data, there may be some momentum in this instrument also. Finally, the dollar rupee. जैसे कि हम last week का देखोगे, ये जो 83.28 से 83.35 का जो support is for intraday purpose. क्योंकि हवा कभी भी बदल सकता है, दैट वाज द वर्ड आई वाज यूजिंग, एंड वही हुआ, ये नीचे की तरफ एप्रिशिएट कर रहा है, मींस रूपी इज एप्रिशिएटिंग। दैट बीइंग द केस, यहां पे जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 8280 से 8300 ऑन द हायर साइड, 8350 टू 8370 इज गोइंग टू बी आवर इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस जोन। यहां पे एज ऑफ नाउ थ्री कंपोनेंट्स आर प्लेइंग, वन इज इनविजिबल हैंड्स रेस्ट्रिक्टिंग रूपी फ्रॉम going volatile on both directions. एक वो हो गया, दूसरा हो गया CNH का, तीसरा हो गया आपका dollar index and related to rate cut, no rate cut and events. So जिसके कारण ये broader में एक range में रुपये attack गया है, once again we need to means play within this particular range only. So currency daily analysis अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये presentation आपको अच्छा लगा होगा, if so like कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी गुडी।